हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ सो so ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जो बी एड एंट्रेंस एग्जाम में साथ ही साथ डी का पेट एग्जाम हो या टेट एग्जाम हो सी एग्जाम हो या एस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट रहे उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है सो so, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक वीडियो में आप सबको फिफ्टीन क्वेश्चन अराउंड फिफ्टीन क्वेश्चन मिल जाएगा ईडियम एंड फ्रेजेस से सो so, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेना सो so, शुरू करते आज का पहला क्वेश्चन और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ आप लोग एग्जाम में डायरेक्शन देख लेना क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा इधर तो पता है सबको इडियम एंड फ्रेंच बट एग्जाम में तो मतलब मिला के देगा सो so, इसलिए डायरेक्शन पहले पढ़ लेना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फोर ऑल्टरनेटिव आर गिवन नीचे दिया गया हर एक सेंटेंस का चार ऑल्टरनेटिव दिया गया सो यू आर टू चूज द करेक्ट मीनिंग आप सबको मतलब चूज करना होगा करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स जो इडियम है उसका गिवेन इन द बोल्ड सेंटेंस इसमें जो बोल्ड सेंटेंस में दिया गया उसका राइट right मीनिंग आप सबको बताना पड़ेगा सो नंबर ए नंबर वन सॉरी एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट सो वो पार्टी पे हर वक्त हाई स्पिरट में रहता है सो हाई स्पिरिट का राइट right मीनिंग क्या है ऑप्शन ए टोकेटिव ऑप्शन बी चेयरफुल ऑप्शन सी ड्रंक ऑप्शन डी अनकंट्रोलेबल सो so, कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका सो so, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेयरफुल ध्यान रखना आप सबको अगर वो जो बोल्ड बोल्ड uh, जो वर्ड है उसका मीनिंग राइट मीनिंग पता नहीं है तो आप लोग एक बार सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उससे भी आप सबको पता चल जाएगा सो so, इसका राइट आंसर है हाई स्पिरिट का मतलब क्या है चेयरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइट फ्रेंड्स हम सबको मतलब गार्ड रखना पड़ेगा ग्रीनाइट फ्रेंड से सो ग्रीन आइट का राइट मीनिंग क्या है रिच जलास ऑप्शन सी हैंडसम ऑप्शन डी एंथसियास्टिक सो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलास ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थ्री द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रिप जो एक्सीडेंट का साइट देख के मेरा फ्लैश क्रिप हो गया सो फ्लैश क्रिप का मैं मैं अभी राइट right मीनिंग नहीं बता रहा हूँ इसमें बंगोली मीनिंग या हिंदी मीनिंग या कुछ भी मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ सो ऑप्शन ए ओरिड मी ऑप्शन बी फ्राइटेंड मी ऑप्शन सी कंफ्यूज मी ऑप्शन डी ड्री माई अटेंशन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्राइट एंड मी ध्यान रखना फ्लैश क्लिप का राइट मीनिंग है फ्राइट एंड मी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ही बीट्स फेयर टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर सो बीट्स फेयर का राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए सेम्स लाइकली ऑप्शन बी इज एम्बिशियस ऑप्शन सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑप्शन डी इज अनलाइकली सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेम्स लाइकली ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर फाइव हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड सो ऑन द कार्ड का राइट मीनिंग क्या है ड्यू इविडेंट सर्टिन प्रोबेबल सो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सर्टिन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सिक्स शी इज एक्सिबिटेड सॉरी शी इज एक्सिबिटेड रिमार्केबल सेंग इट सेंग इट ड्यूरिंग द क्राइसिस सो सेंग फॉर इट का राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए टेम्पर ऑप्शन बी इरिटेशन ऑप्शन सी कंप्यूशर ऑप्शन डी एंगर सो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूसर ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सेवन सीजर वाज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर सीजर को मार दिया कॉन्स्पिरेटर ने सो ऑप्शन ए अटैक्ट ऑप्शन बी रिमूव ऑप्शन सी एलिमिनेटेड ऑप्शन डी मर्डर्न सो इसमें राइट मीनिंग है ऑप्शन डी मर्डर्न क्वेश्चन नंबर एट सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क सो सोट सॉरी कट आउट का राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए ट्रेंड ऑप्शन बी सुइटेबल ऑप्शन सी रिकोमेंडेड ऑप्शन डी कंसिडर्ड सो राइट आंसर है ऑप्शन बी सुइटेबल ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर नाइन ही आज ए किंग हुड हिस सब्जेक्ट विथ ए हाई हैंड सो विथ ए हाई हैंड का राइट मैन क्या है ऑप्शन ए ऑपरेसिवली ऑप्शन बी काइंडली ऑप्शन सी कन्वीनियनटली ऑप्शन डी सिम्पेथेटिकली सो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेसिवली ध्यान रखना विथ हाई हैंड का राइट मैन क्या है ऑपरेसिवली क्वेश्चन नंबर टेन ए मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन दफिंग इन द ऑफिंग का राइट मीनिंग किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना ये सब इससे कोई आप सबको मतलब एग्जाम में मिल सकता है आंसर uh, या क्वेश्चन ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो आंसर भी मिल जाएगा सो इसका राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए एट द एंड ऑप्शन बी अबाउट टू स्टार्ट ऑप्शन सी ऑन अ डिक्लाइन ऑप्शन डी इन दर सो इन द ऑफिंग का राइट right मीनिंग क्या है ऑप्शन बी इज द करेक्ट अबाउट टू स्टार्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर इलेवन ही इज़ नॉट ओर्थ ही सोल्ट ई फेल ऐट द जंक्चर सो ऑप्शन ए क्वाइट ओर्थलेसली ऑप्शन बी वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ ऑप्शन सी क्वाइट डिप्रेस्ड ऑप्शन डी वेरी स्ट्रेंज सो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी क्वाइट ओर्थलेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आफ्टर हैविंग फिनिश द लास्ट प्रोजेक्ट आई फाइंड माई सेल्फ एट ए लूज हैंड तो लूज हैंड का राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए हैप्पी आप लोग सेंटेंस को पढ़ लेना अच्छे से उसके बाद आपको राइट right मीनिंग पता चल जाएगा ऐसे ही अगर पूरा करेक्टली पता ना हो जैसे ए लूज हैंड का राइट मीनिंग सो ऑप्शन ए हैप्पी ऑप्शन बी ऑन वकेशन ऑप्शन सी फ्री ऑफ ट्रेवल्स ऑप्शन डी विथ नाथिंग टू डू सो राइट आंसर है ऑप्शन डी विथ नाथिंग टू डू कुछ बचा ही नहीं उसके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द बॉय हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम ए स्ट्रीट एक्सीडेंट सो ऑप्शन ए लक्की ऑप्शन बी इजी ऑप्शन सी नेरो ऑप्शन डी क्विक सो हेयर ब्रेथ का राइट right मीनिंग क्या है सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी यानी नैरो uh, एस्केप हो गया सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आई जस्ट पेड हिम ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट सो ए लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का राइट right मीनिंग क्या है ऑप्शन ए एन ऑनेस्ट ऑप्शन बी ए वेल डिजर्व ऑप्शन सी एन इनसेंसीयर ऑप्शन डी ए फ्लैटरिंग सो राइट आंसर है ऑप्शन सी एन इनसेंसियर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सीमा इज लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग सो so, हार्ड ऑफ हियरिंग का राइट मीनिंग क्या है ऑप्शन ए इनऑर्डिबल ऑप्शन बी डिसइंटरेस्टेड ऑप्शन सी डीफ ऑप्शन डी इनसेंसिटिव सो राइट आंसर है ऑप्शन सी so, right यानी डीफ सो so, आज के लिए इतना ही आप सबको आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये पहले पार्ट है ध्यान रखना है ये पहला पार्ट है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ईडियम एंड फ्रेजेस से सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू